जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आए। कविता को आमंत्रित करता हूं, कवि को आप सहजता के साथ सुनिए, और अतिथियों से भी अनुरोध है कि जब तक आप पर समय हो, मैं आपकी व्यस्तता समझता हूं, 27 करोड़ का प्रदेश है हमारा, ये जो इतने हम हुए हैं इस पे लज्जित मत होइए। मैं जाता हूं तो इतनी भीड़ आ जाती है, अभी मैं बांदा वांदा गया तो 1 लाख आदमी आ गया, तो वो हमारे साथ जो बंबई की लड़कियां आती हैं वो मुझसे कहती हैं सर ह्यूज क्राउड। मैंने कहा तू इतनी दुखी क्यों है, अब तो रोमियो स्क्वाड लग गया है, चिंता मत कर। महाराज जी ने ऐसी हालत कर दी है, पहले लड़की लेट आती थी तो माँ बाप चिंतित होते थे बेटा कहाँ रह गई, अब लड़का लेट आता है तो माँ बाप फोन करते हैं बेटा कहीं पिट तो नहीं रहा है, अरे क्या करिए आप, मतलब अब ये हमारे कवि कहते थे मुझे, महाराज जी सब चिढ़ाते हैं जब मैं जाता हूँ, ये तुम क्या प्रेम के कवि हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री ने प्रेम पे ही अंकुश लगा दिया। मैंने कहा खबरदार जो हमारे सीएम के बारे में गलत बोला। हर आदमी का अपना एक एजेंडा होता है, प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात अलग है, कुछ लोग पैक करा के ले गए। अब प्रेम को लेके मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है ना किया है, तो क्यों आप, लेकिन सुधार हो गया, अच्छा बढ़िया सुधार हो गया। कि मेरे जीने में मरने में इसी तरीके से बस गाओ है ना, कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आए। अच्छा तुम्हें याद है तो बाकियों का अपराध है क्या। ये वो लड़के हैं जो जनगणमन के टाइम तो लड़की घूरते थे, और जैसे आता था जय हे, थोड़ा ध्यान से क्या रिजल्ट आया है, आहा चुनाव के बाद सब खुश हैं, इस बार जो चुनाव हुए सब प्रसन्न हो गए, भाजपा वाले प्रसन्न हो गए कि गुजरात में रिकॉर्ड बना दिया, कांग्रेस वाले प्रसन्न हो गए चलो कहीं तो जीते हिमाचल में जीत गए, हमने जो वायरस छोड़ा वो प्रसन्न के नगर पालिका जीत गया, अखिलेश यादव प्रसन्न के चलो पिताजी की सीट जो है वो घर की बहू को मिल गई, जयंत प्रसन्न के खतौली बच गई, इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास सब प्रसन्न। कि मेरे जीने में मरने में, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषी बैठे पंडित जी, बड़े विद्वान आदमी है, मैंने इन्हें हेमंत पांडे की अभी दिखाई थी जन्मपत्री, तो मुझसे बताने लगे, वे चिंतित होके बोले कि इनकी कुंडली में तो शनि नीच का है, तो मैंने कहा इससे ज्यादा नीच का है, बोले नहीं इतना नीच का नहीं है। अच्छा ये बताइए पंडित जी आप, ये जो आप लोग लिखते हैं कि मैं शब्द वालों का ऐसा चलेगा नए शब्द वालों, ऐसे कैसे हो सकता है, मणिशंकर अय्यर और मोदी का मामला एक जैसा कैसे हो सकता है। अच्छा इनको अखबार वाले छाप देते हैं आदमी तनाव में आ जाता है, साप्ताहिक राशिफल छपते हैं ना आदमी कष्ट में आ जाता है, अब एक की सगाई हुई हफ्ते भर बाद ब्याह, और उसके छाप रखा है जीवन के जिस बड़े काम में निवेश करने जा रहे हैं उसमें आजीवन घाटा रहने की संभावना। अब आदमी को समझ में, एक के बालक होने वाला है, मित्रों के सहयोग से सभी प्रकार के मंगल का हाथ धो गई। कि मेरे जीने में, अरे रिकॉर्डिंग मत करो या आधी रात रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाएगी तो फंस जाओगे किस दिन, बहुत कई नेता फंस चुके बेटा। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आए, वाह करो वाह, स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है। कि मेरे जीने चुल्लू पार सही है यार, तेल लगाया है तूने चुल्लू पार का, ऐसा नहीं है कि भाजपा के विधायकों का खौफ नहीं है, थोड़ी है। कि मेरे जीने में, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम करते हैं आप लोग विधायक जी, 10-20 जितने आप लोग सब, मैं विधायक जी समझता हूँ, ये मंत्री वंत्री तो फिर भी एक अकेले यही है जो बाहर अखाड़े में दंड पेलते हैं कि आदमी आ गया सबकी सुन रहे हैं, वरना लोग बंद हो जाते हैं कालिदास मार्ग में, और वो कौन सी रोड है जिस पे बंगला है आपका जो भी है वो, हाँ जो भी है उस पे बंद हो जाते हैं, विधायक अब उपलब्ध रहता है, और हम लोग इतने निकृष्ट हैं कि हर हम काम की अपेक्षा विधायक से ही करते हैं, ये कितनी गलत बात है। सुबह ही घर पहुंच जाते हैं उसके, विधायक जी पहले 200 फीट पे पानी आ जाता था अब 400, विधायक क्या करे इसमें यार,
विधायक जी पहले कटिया डाल लेते थे, आराम से बिजली चोरी हो जाता था, अब जेई कार्ड। विधायक अपनी देखे चोरी की तुम्हारी, मतलब क्या हद है? नहीं मतलब हर काम विधायक जी। विधायक जी शादी को 7 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। अल्लाह, तालियां कब बजाते हैं आप लोग, सुनिएगा। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आए, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। और अगली पंक्ति गूंजे तालियों के बीच। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आए। क्या बात है। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। सुनिए कुछ पुराना नया मिला के सुनाता हूं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के क्या कर लेगी रोमियो स्क्वाड, वैसे इतने पैदा हो रहे हैं। तुझे पता नहीं है सुदीप, शुरू शुरू में तो पुलिस वाले कम थे, तो रोमियो स्क्वाड का काम डॉग स्क्वाड को सौंपा गया। वो अवस्थी जी डीजी थे, मैंने उनसे कहा भाई साहब कुत्ता कैसे पहचानेगा मजनू। बोले मजनू के शरीर में एक अलग तरह की गंध होती है, वो घर से डिओडोरेंट लगा के चलता है और पुलिस के डर से पसीना छूटता है, तो एक मिश्रित गंध आती है। तो पुलिस का जो डॉग स्क्वाड है उसको सुंघा के ट्रेंड किया गया है। बाद में वो हटा दिए गए 3 महीने बाद। मैंने फिर अवस्थी से पूछा भाई साहब हटा क्यों दिए, बोले वो मजनू तो पकड़ लेते थे पर खुद कुतिया के पीछे चल देते थे भाई। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से, हम कोई कवि ववि नहीं है, हम फेस्टिवल है, उत्सव है, जिस शहर में जाते हैं उत्सव मनता है। जिंदाबाद। कि मेरे जीने में मरने में मैं सांसें रोक लूं, हमारे दिल की खामोशी जहां। यार तुम्हें क्या सुना है, तुम्हें सब तो याद है, कल लिखता हूं आज याद हो जाता है। कि कोई दीवाना कह, ऐसे नहीं सब गाओ एक साथ। कि कोई दीवाना लो मगर धर, मैं तुझसे ये तेरा बोल बांके बिहारी लाल पुकारे आंख में चढ़कर तो खू को खू समझता। ये भी याद है, बिल्कुल ताजा माल निकालना पड़ेगा आज। चलो कुछ और मुक्तक सुनो थोड़ा, जिनको याद है तो अच्छा ही है। हाँ नई कविता सुनो। हाँ बिल्कुल नहीं सुना तेरे। हाँ कितनी मांग भरूं बता, एक भरी थी वही भारी पड़ रही है। हाँ लाखों करोड़ों में चले। अब सुनने पे आ गए, अब ये अब बिल्कुल मूड में आ गए लोग। लो नया लो नई कविता सुनो लखनऊ वालों, इसलिए सुना रहा हूं। 4 दिन पहले पहली बार सुनाई थी जयपुर में, 50,000 आदमी था, सरकार सामने बैठी थी, कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा का बोर्ड था, मेयर भाजपा की थी। कविता सुनाई तो पत्रकारों ने मुझे कहा कि आपका ना राइट विंग की तरफ झुकाव है। ये पत्रकार जितने इशारे मेरे पकड़ते हैं उतने अपने लुगाई के पकड़े हों इन्होंने, तो इनका दाम्पत्य जीवन सफल हो जाए। ये भाजपा की सरकार है, उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, बाकी मंत्रीगण और नेता बैठे हैं। एक बात, जितने हॉल में लोग बैठे हैं बता दूं, नेताओं के पिट्ठू मत बनना, देश के पिट्ठू बनना।
कि मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा, मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप, मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर। अब बैठ जाओ एकदम प्रकृतिस्थ। मैं एक और गीत सुनाता हूँ जी, कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। आए आए आए, हाँ, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। दिल से मत, अंदर के प्राण से सुनो, दोहराओ मेरे साथ, जब अच्छा लगने लगे आ जाना मेरे साथ। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। हर पंक्ति आपकी वहां मांगती है। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। जागो जरा, क्या बात है। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे काटा। हाय हाय, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे काटा। महासमर में रीता रीता, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। अगली पंक्ति पे जो कविता सुन रहे होंगे वो उछल जाएंगे और ये हॉल भी आशीर्वाद से। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। हाय हाय, ये है। ओए हाय हाय यार, एक बार झूम के ताली बजाओ यार। ओए हाय हाय हाय, ले आए साहब। पिछले हाय हाय, क्या बात है। पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे पीता। और ये कृष्ण की व्यथा नहीं है, ये हर उस आदमी की व्यथा है जिस पर संसार ने भरोसा किया है। आहा, ये सब बेटियां तरसी हैं शाम को अपने पिता के लिए। हम सब के बच्चे तरसते हैं होली दिवालियों पर, हम आपके द्वार पर होते हैं। चार्ली चैपलिन से किसी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, इतना यश कमा लिया। चार्ली ने कहा कि मैं बरसात में बाहर घूमना चाहता हूं ताकि दुनिया मेरे आंसू ना देख सके। हाय 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 हाय, वाह। पिछले जन्म जान की तुझ बिन, मेरी तबीयत भी खराब थी, बुखार भी था और गला भी ऐसा ही था। अरे भैया लाओ लाओ मेरा भैया। हाय 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 हाय, भैया आओ। जिंदाबाद, ये रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता। आओ ना, पिछले जन्म जान की तुझ बिन से बीता, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। अब ये दो पंक्तियां संभाल लेना। महासमर में रीता रीता, कब तक गीता। और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं।
मथुरा छूटी छूटी द्वारिका इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं बंसी छूटी गोकुल छूटा बंसी छूटी गोकुल छूटा कब तक चक्र उठाऊं बंसी छूटी गोकुल छूटा कब तक चक्र उठाऊं पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता महासमर में रीता रीता कब तक और अभी कितने जन्मों तक और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं कब तक गीत सुनाऊं रानी सुनाऊं कब तक गीत सुनाऊं राधा बन सुनिए अमृत बांट के जा रहा हूं 100 साल के हो जाओगे ये रात याद रखोगे दावा कर रहा हूं तुमसे काना रोते हैं काना रो रहा है मेरा क्या पंक्ति पढ़ रहा हूं बचपन से प्रभुता का बोझा धोते कटी जवानी आए हाय अरे ला दिया आए हाय 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 बचपन से प्रभुता का बोझा धोते कटी जवानी अरे खेल तो सब बच्चे रहे थे गेंद तो सबकी अंदर गई थी कन्हैया को क्यों भेजा क्योंकि युग के हर कन्हैया इस बात के लिए अभिशप्त हैं कि अगर जनता का मनोरंजन कोई कालिया छीन ले तो उसके अहंकार के फन को कुचलकर जनता को दोबारा आमोद सौंप पाए क्या कह रहे हैं आप वाह 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 बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी कौन सी महिला पूतना बन के आएगी कौन आदमी मारने आएगा एक बच्चे को इस बात के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा बच्चा खुल के खेलता है आंगन में कैसा बच्चा होगा जिसके आंगन की देरी के पार जाने मात्र से पूरा ब्रज पागल हो जाता होगा कि सुरक्षित रखो अच्छी बात नहीं है अब पंक्ति सुनना और मेरे कन्हैया के आंसू में अपना एक आंसू मिलाना तो शायद मोक्ष प्राप्त हो मेरी आंखों को भी और आपकी आंखों को भी सुनना कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी ऐसे मत सुनो यार कविता दे रहा हूं तुमको कम से कम वाह करो वरना जुमले चुटकुले तो मैं सुनाई दूंगा कि हर पल षड्यंत्रों में उलझी आप मंच पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ ब्रिजेश भैया आओ ना आप बैठो क्या बात है बैठो आप हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी ये दो पंक्ति लक्ष्मणपुर संभाले मेरे कन्हैया की और तालियां गूंजे सुनना हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी अधर मधुर देखे सबने पर क्या बात है पीड़ा ना पहचानी अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी इस पीड़ा को यार सुदामा इस पीड़ा को यार सुदामा इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं कब तक गीत सुनाऊं राधा कब तक गीत सुनाऊं आवाज नहीं आई कब तक गीत सुनाऊं राधा कब तक गीत सुनाऊं तो जब योगी जी ने वैक्सीनेशन पूरे देश में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में किया तो उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे ये भाजपा की है कही थी ना तो मैंने 4 पंक्तियों में उनको निपटा दिया वो निपट गए हो तो पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजाना जिन्होंने कहा हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे ये भाजपा की है तो हमने उनको 4 लाइन सुनाई हमने कहा सबको लगेगा दिन में तुमको रात से लगाएंगे चौथी पंक्ति में ज्यादा मजा आएगा
सबको लगेगा दिन में तुमको रात से लगाएंगे, जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे, राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर बवालियों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। तो, हाँ मैंने निपटा दिया। तो मैं तो भाई साहब समझ जाइए, महाराज जी ये समझ लीजिए, सारे देश के कवि जितनी कविता आजकल पढ़ रहे हैं इसकी आपको रॉयल्टी लेनी चाहिए, 20% माल आपके ऊपर है। पढ़ बेटा। तो अब आप समझ गए होंगे हमारे कानपुर के लोग कितने अद्भुत हैं, इतने अद्भुत आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ब्रजेश सर एक दिन ये कर दिया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। मैं खरियाड़ा कवि सम्मेलन से कानपुर गया तो लड़का बैठा था, भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, तुमसे कह रहा गुरु ऐसा तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तुमने कहा यार तुम्हारा मूड क्यों खराब है, अच्छा टाइम ना बताओ ये बता दो तुम्हारा दिमाग क्यों खराब है। तो कहने लगा हमने एक लड़की से केवल इतना कहा कि बड़ी कमजोर है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई है। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ, कहने लगा भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे हम, उसको दुनिया की सबसे मर्यादित और सबसे संस्कारित लड़की समझते थे हम, उससे प्यार हम समझते थे ये हमसे प्यार करती मुझसे प्यार करते हैं। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या, कहने लगा हुआ कुछ नहीं, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल है, तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो, लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के है? कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करारी है पुष्पा पाल हमारी है। तो साहब हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही अद्भुत है। दिनेश बावरा से अनुरोध है कि वो कृपा पूर्वक आए और जमाए, एक बार तालियां बजाकर दिनेश बावरा का मन बड़ा करें। आइए दिनेश बावरा आओ। मैं बता रहा था ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा, तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया, तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, ये रंग शायरी में आया, तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया, ये रंग कविता में आया, तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और अपनी ताली रोक के दिखाना, ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए, ये कविता का रंग है। भारत माता की ये ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता यार, हम सही बता रहे हैं आपको। बहुत अच्छा लगा महाराज जी हमारे बीच रहे, इतना समय दिया कविता को। महाराज जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो दुनिया की सारी भाषाएं जानते हैं, कोई भी भाषण हो तो एक ही बात कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझा दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है महाराज जी, देखिए गाय को चारा खिलाते हैं, शेर को दूध पिलाते हैं और दुश्मन को धूल चटाते हैं। मैंने कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेला हुआ टूटी चैन, पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेला हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। अरे पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा, अच्छा ये इसमें इको की मशीन नहीं है आदरणीय पाठक जी, इनके पास इको की मशीन नहीं है, अच्छा है नहीं है, क्योंकि मेरे जबलपुर में एक बार ऐसा हो चुका है, एक बार मेरे मित्र हैं करीम भाई उनका यही सब काम है माइक वाइक का, एक बार उन्होंने माइक लगाया और इको की मशीन लगा दी, सामने ही भाभी बैठी थी, माइक टेस्ट करते समय एक बार धोखे से तलाक निकल गया। बाद में इको हो गया के पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेला हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन बाबा की ट्रेन। बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या,
बाबा जी को समझाता क्या कच्चा बदाम साइकिल धड़म। कुमार विश्वास से ही तुमकी पूरी टीम का सम्मान किया जाना है। एक मिनट के लिए आप हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा।